हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपने दो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर एक, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। नंबर दो, संविधान सभा। और नंबर तीन दोस्तों, आज अपना टॉपिक है प्रस्तावना। और प्रस्तावना से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली दो क्लासें अगर नहीं देखी है पॉलिटिकल साइंस की, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप पिछली क्लास से जरूर देखें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। आख्या मतलब संज्ञा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा है, वो कौन से पार्ट को प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने दोस्तों प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, तीन नंबर का प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है वो कौन से शब्द से शुरू होती है। तो दोस्तों आपको प्रस्तावना है वो याद रखनी चाहिए, प्रस्तावना, ठीक है। दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए, ठीक है, ये शुरू की लाइन है, ठीक है। तो शुरुआत किससे हो रही है, हम भारत के लोग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, आगे देखिए, चार नंबर का प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होता है, ठीक है। जैसे कोई राजा महाराजा वो नहीं है कि जब भाई वंशानुगत होता है कि भाई वो उसके बाद में वो बनेगा, उसकी कोई अवधि नहीं होती थी राजा महाराजाओं की। तो यहाँ पर क्या है कि गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, गणराज्य। आगे देखिए, पाँच नंबर का प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत क्या है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, है क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिक्स नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि यहाँ पर यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का, ठीक है। यानी कि किसी के साथ में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, और राज्य सरकार का भी कोई धर्म नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सात नंबर का प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। यहाँ पे देखिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों का लेवल देखिए, और अगर आप आराध्या आरएएस एकेडमी के साथ में जुड़ गए तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। देखिए आठ नंबर का प्रश्न है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसका मतलब होता है गणतंत्र। मैंने भी आपको बताया था गणतंत्र यानी कि निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में
किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो वह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में, कब हुआ था 1976 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो दोस्तों भारत को यहाँ पर एक प्रभुत्व संपन्न, देखिए आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी हो तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए प्रस्तावना थोड़ी सी आगे से पढ़ के, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस रूप में घोषित किया गया है भारत को। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न एक और उत्तर अनेक प्रकार के, देखिए कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब मैंने आपको तीन बता दिया है, ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है, देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो क्या है उसका उद्देश्य, वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्ग के वर्गों का दोस्तों कल्याण का प्रबंधन करना, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्याध्यक्ष अपना कौन है, तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना आपको एक बार पूरी याद रखनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ प्रस्तावना एक बार पढ़कर फिर से, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों अपनी प्रस्तावना जो मैंने आपको पढ़ के बताई है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, ये देखिए समाजवादी शब्द है ये लास्ट में दे रखा है, इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है। ठीक है, ऐसे उल्टे सुलटे करके भी पूछ सकता है, आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है, तो दोस्तों सेकुलर का अर्थ है वो क्या है, तो सेकुलर का अर्थ हो जाता है दोस्तों इसमें कि सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है,
शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पे शब्द दे रखा है धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इससे संबंधित अपने को यहाँ पे चार कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है, 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब यह शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दूसरा नंबर का, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 44वां तो इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यह मूल प्रस्तावना में था, तो दोस्तों मूल प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो इसमें दूसरा और चौथा है वो गलत है, एक और तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक और तीन। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, तो दोस्तों इससे क्या अर्थ निकलता है ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहां पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, तो इससे क्या अर्थ निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए समाजवाद का अर्थ है, तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ है वो क्या है, समाजवाद का अर्थ है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय है, क्या है, सामाजिक न्याय, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, तो हम भारत के लोग शब्दों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, अपनी प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्द से ही शुरू होती है शुरुआत, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता नहीं झलकता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो दोस्तों ये है इसमें चीन की क्रांति का दोस्तों इसमें प्रभाव नहीं झलकता है, बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का इसमें प्रभाव झलकता है, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो भारत एक क्या है, तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो दोस्तों कहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में, किस में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो दोस्तों कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता एवं अखंडता, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो गुट निरपेक्षता है इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है वो अपने को बताना है, तो देखिए समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे गलत है। देखिए जो उक्त शब्द 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, तो दोस्तों ये इसमें कथन सही है, ठीक है। जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। तो एकमात्र इसमें बी नंबर का ऑप्शन ही है वो इसमें सही है, बाकी इसमें गलत है, ठीक है। यहाँ पे उक्त शब्द का मतलब ये ऊपर वाला हो गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया इसको, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो दोस्तों वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो दोस्तों किस रूप में, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों के रूप में स्वीकार किया गया है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है भारत की शासन की, तो वो है जनता में, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तावना में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है, तो दोस्तों मूल अधिकार राज्य के निर्देशक नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्यों में, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तावना में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में शामिल किया गया है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता, तो क्या स्पष्ट नहीं होता, तो दोस्तों वो है इसमें संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि दोस्तों इसमें स्पष्ट नहीं करता, ठीक है, प्रस्तावना में, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो वो है दोस्तों इसमें किसको, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ये प्रस्तावना में यानी कि उद्देश्य में नहीं आते। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय तीन प्रकार के होते हैं ये भी याद रखना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना के अंदर। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये पांच प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता है, कौन कौन सी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, पांच प्रकार की स्वतंत्रता है, और दोस्तों समानता है ये दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये प्रस्तावना में नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो दोस्तों वो है भारत और इंडिया, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम है वो भारत और इंडिया दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो किसके द्वारा स्वीकृत है,
तो ये दोस्तों भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है दोस्तों किसमें? तो भारत की जनता में निहित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कब? तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो दोस्तों पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना दोस्तों कब? तो 1950 में बना था दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही किया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, ठीक है, शब्द दो अलग अलग हैं लेकिन एक ही मतलब इनका। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट, अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद, यहाँ पे खालिस्तान भरना है, ठीक है, एतद इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो खालिस्तान है इसमें कौन सी डेट आएगी ये अपने को बताना है, तो वो है 26 नवंबर 1949 आएगी इसमें, यानी कि भारत की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तो यहाँ पे देखिए, विचार की स्वतंत्रता, न्यायिक और सामाजिक, ठीक है, तो ये तीन तो उपलब्ध करा सकती है लेकिन पूंजी की समानता है ये उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता, ठीक है, ये प्रस्तावना, ठीक है, पूंजी की समानता वाला, तब तो ऐसे हो जाएगा कि भाई हाँ सबकी पूंजी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे प्रस्तावना में कौन सा शब्द है वो सम्मिलित नहीं है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, बात हो रही है 26 नवंबर 1949 की, अब उसमें दोस्तों पंथ निरपेक्ष समाजवादी और गण अखंडता ये शब्द तो 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। प्रश्न देखिए दोस्तों, ये शब्द, तीनों शब्द, पहला दूसरा और तीसरा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है, ये 1976 में जोड़े गए थे। यहाँ पे अपने को पूछ रहा है 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों एक ही शब्द जोड़ा गया था, वो है गणराज्य, ठीक है। अपने को पूछा क्या है इसमें कि प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, तो एक दो तीन है वो सम्मिलित नहीं थे उस समय, ठीक है, 1949 में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए,
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा कथन है वो इसमें सही है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतगोत्वा उद्देश्य बना, उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उद्देशिका प्रस्ताव है ये नेहरू जी लेके आए थे। आगे देखिए, इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों संशोधन किया जा सकता है, जैसे 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, बाकी के इसमें दो तो सही है। चौथा देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये दोस्तों इसमें सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें तीसरा नंबर का गलत था, बाकी एक दो और चार तो इसमें सही है ही, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों मतदान करने का अधिकार है वो दोस्तों प्रजातंत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, सॉरी समाजवादी और धर्म निरपेक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वें संविधान संशोधन, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न लिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो कौन सा शब्द जोड़ा गया इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, इनमें से सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो दोस्तों ये संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है, तो दोस्तों वो है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो प्राधिकार स्रोत कौन सा है, तो वो है भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भारत के लोग, ठीक है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है, तो सेकुलर का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ये दोस्तों देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये इसमें गलत था, बाकी के 1, 3, 4 है वो इसमें सही थे, तो इसका सॉरी देखिए इसमें हाँ दो ही सही थे, ठीक है। एक तो इसमें 44वां संविधान संशोधन वाला गलत था और यह है मूल प्रस्तावना में था, ठीक है, दो शब्द थे यहाँ पे, एक तो पंथ निरपेक्ष सॉरी धर्म निरपेक्ष शब्द के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये इसका भी मतलब दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों सबको पता होगा ये तो, ठीक है, वो है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको जो टॉप 60 प्रश्न करवाए हैं प्रस्तावना से संबंधित, आपको प्रश्न है वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।